वालेकुम, मैं हूं अक्षर रोशन और आज हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है और इसके साथ साथ हम मोशन की टाइप्स भी पढ़ेंगे। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी उस वक्त रेस्ट पर होगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के स्टेट्स पर उसका एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। यह आपको जब समझ आएगा जब मैं रेस्ट और मोशन दोनों समझा चुकी हूँ। आ डस्टर ऑन अ टेबल, एक डस्टर टेबल पे पड़ा हो, अब वो मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पर है। अब वो रेस्ट पर क्यों है? क्योंकि किसी फोर्स ने अभी तक उस पर अप्लाई फोर्स नहीं की। जैसे कि ये मार्कर है, मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या ये वो उड़कर खुद चला जाएगा अपनी जगह पर? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है। मोशन, मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सॉरी, यहाँ पर वर्ड ज्यादा एड हो गए, कोई बात नहीं, होती है गलतियाँ, इंसान हूँ मैं। अच्छा, एक बॉडी मोशन में कब होती है? वो जब होती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती जाए। जैसे कि देखें, ये गाड़ी हमारी, ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाई और अब ये चलेगी, चल रही है, ये बॉडी ये मूव हो रही है, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट पर होता है। जैसे कि गाड़ी मूव हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, हर एक चीज, पेंडुलम मूव कर रहा होता है। आ मूविंग कार, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी। अब मैं आपको इस सेंटेंस का मतलब समझाती हूँ। अब देखें, सपोज करें आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बस मूव हो रही है। अब जो पेडेस्ट्रियन बस स्टॉप पे खड़ा होगा वो तो यही कहेगा ना कि बस मोशन के स्टेट पर। लेकिन आप क्या मूव कर रहे हैं? क्या आप बस में डांस कर रहे थे? नहीं, आप तो बैठे हुए थे, आप तो रेस्ट पर थे। लेकिन आप देखा किसको जाएगा? बस को, क्योंकि वो आपकी सराउंडिंग है। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी की स्टेट को देखा जाता है। अगर कोई स्पेस पर एस्ट्रोनॉमर चला गया और उससे कोई पूछे कि अर्थ की स्टेट क्या है, वो तो बोलेगा मोशन, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अर्थ में जो हम रहने वाले हैं, क्या पता कुछ सो रहे हो, कुछ बैठे हुए हों, कुछ रेस्ट पर हो, लेकिन हमारी सराउंडिंग मैटर करती है। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्ट का स्टेट बताते हैं कि वो रेस्ट पर है या मोशन पे है। अब मैं आपको समझाती हूँ टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इनके नाम ही से आपको ना इनकी मोशन की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। देखिए, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर लाइन पर। अब यहाँ पर आप फोकस कीजिए, इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो वो मोशन कहलाएगी लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि एक कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, सही है। रोटेटरी मोशन, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर और क्लोज पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी और सर्क्यूलर मोशन। अगर एक बॉडी सर्क्यूलर पाथ पर या क्लोज पाथ पर मूव कर रही है वो रोटेटरी या सर्क्यूलर मोशन कहलाएगी। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये रोटेटरी और सर्क्यूलर मोशन कर रहा है। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, इफ द बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो अलोंग इट्स मेन पोजीशन और फिक्स पॉइंट इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है अलोंग इट्स मीन और फिक्स पॉइंट। अब जैसे कि मीन और पोजीशन ऑफ फिक्स पॉइंट मतलब एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट से अटैच्ड है, वहां से वो टू एंड फ्रो कर रही है। टू एंड फ्रो मतलब यहां से वहां। जैसे कि पेंड्यूलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसके मोशन को हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया हो, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन कि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।